पहले वाली जो सुसाइड स्क्वाड आई थी उससे जो भी नई सुसाइड स्क्वाड आई है कैसे अलग है, ये जानने की इच्छा मुझे थिएटर्स तक लेके गई। क्योंकि यार मैं असली रियल जो सुसाइड स्क्वाड है वो देखना चाह रहा था जैसे कॉमिक्स में इसको रिप्रेजेंट किया गया था। अब जब थिएटर में पहुंचा तो थिएटर पूरा खाली था, लगभग खाली था। अब वो मूवी की वजह से नहीं, वो कोविड की वजह से, क्योंकि अभी लोग जो है वो धीरे धीरे आने शुरू हो रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में बात करूंगा सुसाइड स्क्वाड 2021 मूवी के बारे में। ये जो पहले वाली जो मूवी आई थी सुसाइड स्क्वाड की, उसका कोई सीक्वल नहीं है, एक तरीके से नई टीम को लेकर। कुछ एक कैरेक्टर जो है वो पुराने हैं, जैसे हार्ली क्वीन का हो गया और जो वोलर का हो गया, तो ये वाले कैरेक्टर जो है वो पुरानी मूवी के ही हैं। लेकिन ये मूवी एकदम नई कहानी है, नए कैरेक्टर लिए इसमें इंट्रोड्यूस किए गए हैं, तो उससे कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे। और तकरीबन इस मूवी की जो लेंथ है वो 2 घंटे 10 मिनट की है। अब जो है पहले ही बता देता हूं कि ये जो नई सुसाइड स्क्वाड है ये काफी ज्यादा बढ़िया है एज कंपेयर टू जो 2016 के अंदर सुसाइड स्क्वाड आई थी उस मूवी से। अब रीजन उसके ये है कि जैसे डीसी ने अब काम करना शुरू किया है, राइट पर्सन को उन्होंने चूज किया है इस मूवी को डायरेक्ट करने के लिए। अब मेन डिफरेंस जो अगर एमसीयू और डीसी के बीच में देखे कि एमसीयू इतना आगे कैसे है, रीजन बड़ा साफ है। क्योंकि एमसीयू में आप देखो कि 2008 में जो इन्होंने मूवी आई थी आयरन मैन की, तब से इन्होंने प्लान करना शुरू कर रखा है और बड़े ही सही ढंग से प्लान कर रखा है कि कब कौन सी मूवी लानी है, किस पर्सन का क्या मिस्ट्री होने वाली है, उसका क्या इतिहास होने वाला है, सब चीजों को इन्होंने बहुत बारीकी से हमारे सामने रिप्रेजेंट किया है। एक एक करके सारी चीजें अच्छे से हमारे सामने आई है। लेकिन वहीं अगर आप डीसी को देखें तो जिस तरीके से यहां पर चीजों को रिप्रेजेंट किया गया है, देखो यार डीसी के अंदर काफी सारे ऐसे करेक्टर जो बहुत पावरफुल है, उनका इंपैक्ट बहुत अच्छा जा सकता था। लेकिन जो सुसाइड स्क्वाड 2016 में आई उसका देखो कितना ज्यादा गंदा प्रभाव पड़ा। जैसे उस तरीके को वो PG-13 के अंदर मूवी रखी गई थी, जबकि वो मूवी PG-13 में रखने वाली नहीं थी, मतलब सुसाइड स्क्वाड PG-13 के अंदर नहीं आनी चाहिए थी। वो आप इस मूवी को देखेंगे तब आपको पता चलेगा। लेकिन अब धीरे धीरे डीसी अच्छा काम करना शुरू कर चुका है। जैसे जैक स्नाइडर की जो मूवी आई थी जस्टिस लीग को लेकर, वो काफी ज्यादा अच्छी थी। और अब यहां पर सुसाइड स्क्वाड, ओरिजिनल सुसाइड स्क्वाड किसको कहते हैं, रियल सुसाइड स्क्वाड क्या होती है, आप ये जब मूवी देखोगे तब पता चलेगा। उसके अंदर वॉयलेंस है, ब्लड है, बहुत सारी चीजें, पागलपन है, क्रेजीनेस है, सब चीजें अच्छे से, उनका तालमेल क्या होता है वो आप इस मूवी को देखोगे अच्छे से पता चल जाएगा। और जैसे जैक स्नाइडर की जो जस्टिस लीग आई थी, ऐसे ही यहां पर इस जो इस मूवी को डायरेक्ट करने के लिए जेम्स गन आए हैं, जिन्होंने एमसीयू की जो गैलेक्सी ऑफ गार्डियन जो मूवी थी Volume 1 Volume 2 उस मूवी को डायरेक्ट किया था। तो अब आप देखोगे ना कि डीसी जो है वो सही ढंग से काम करने लगा है, अब धीरे धीरे इसकी इमेज सुधरने लगी है और काफी बढ़िया इन्होंने डायरेक्ट करके दिया। इसका साउंड आप देखोगे तो इसमें जैसे म्यूजिक यूज किया गया है, जैसे सिनेमेटोग्राफी है, देखो सिनेमेटोग्राफी मुझे काफी ज्यादा पसंद आई। इसके अंदर जो आइडिया इन्होंने लगाए हैं वो बहुत बेहतरीन है। जैसे फाइट हो रही थी पीसमेकर के हेलमेट के, उसमें रिफ्लेक्शन दिखाया गया। अगर इस मूवी की स्टोरी की बात करूं तो कुछ लोगों के पास पावर है, वो क्रिमिनल है, उन क्रिमिनल को क्या है, उनको लालच दिया जाता है, उनको डराया जाता है, उनको धमकाया जाता है, वो सारे पैंतरे अपनाकर उनकी एक टीम बनाई जाती है ताकि उनको एक जो मिशन दिया जा रहा है वो मिशन को वो कंप्लीट कर सके। अब यहां पर जैसा कैमरा वर्क किया गया इस मूवी के अंदर, जैसे वो ब्लड का बाहर आना और स्लो मोशन का यूज करना, ब्लड को जैसे फूलों वाले कलरफुल तरीके से रिप्रेजेंट करना, यार अमेजिंग है। और अब जिसमें जो कैरेक्टर है हार्ली क्विन का, आई लव्ड इट, इतना बढ़िया है। मार्गरेट रॉबी ने इतना बढ़िया किरदार इन्होंने प्ले किया है, मतलब इन्होंने थर्ड टाइम ये प्रूव कर दिया है कि हार्ली क्विन का इनसे बेटर मतलब परफॉर्मेंस कोई कर ही नहीं सकता। बहुत जबरदस्त उनकी सुंदरता, उनके पागलपन, उनका जंगलीपन इतना बढ़िया लगता है। और इसके अंदर जो ब्लड स्पोर्ट का जो किरदार है जिसको प्ले किया इद्रिस एल्बा ने, बहुत बढ़िया उन्होंने परफॉर्मेंस किया। अगर इसमें मूवी में अगर मैं जॉन सिन्हा की बात ना करूं तो एक तरीके से वीडियो अधूरी रह जाएगी, बात अधूरी रह जाएगी। क्योंकि यार देखो जॉन सिन्हा ने इस मूवी के अंदर पीसमेकर के कैरेक्टर का किरदार प्ले किया जो काफी बढ़िया है। देखो जॉन सिन्हा की जो एक्टिंग रही है मुझे बहुत एवरेज ही रही है, मतलब जितनी मूवी मैंने इनकी देखी है पिछली वाली बहुत एवरेज ही मुझे लगी है इनकी एक्टिंग। लेकिन इस मूवी के अंदर जैसा करेक्टर डेवलपमेंट है या फिर करेक्टर के बारे में जैसे रिप्रेजेंट किया गया है, उसकी कहानी लिखी गई है, उसको जैसे हमारे सामने रखा गया है, बहुत जबरदस्त लगा है उनको, बहुत बढ़िया से इन्होंने प्ले किया है। जैसे इनकी कॉस्ट्यूम है, इवन कॉस्ट्यूम मुझे बहुत पसंद आई, इन सभी करेक्टर की कॉस्ट्यूम मुझे बहुत पसंद आई कि जो कॉमिक्स में उनकी कॉस्ट्यूम होती है वही सेम टू सेम यहां पर रखने की कोशिश की गई है। अब देखो यार इसमें वॉयलेंस तो भाई साहब अल्ट्रा है, मतलब बहुत अल्ट्रा प्रो या जो भी है मैक्स प्रो जिसको भी कह सकते हो कि नेक्स्ट लेवल पे गया हुआ है। शरीर के टुकड़े टुकड़े होना, उनको एकदम बारीकी से चीज दिखाई गई है। देखो मैंने कहा ना इस मूवी को R-rated में रखा गया है, मतलब कि यहां पर इसको PG, मतलब जो
होते हैं ना कि 13 साल के बच्चे इसको, मतलब 13 साल से कम बच्चे इसको नहीं देखेंगे, उससे ऊपर वाले बच्चे देखेंगे, ये उनके लिए नहीं है। और बकायदा ये ध्यान रखा गया है इस चीज का। मैंने कहा ना ओरिजिनल सुसाइड स्क्वाड क्या है वो आप ये मूवी देखोगे तब आपको पता चल जाएगा। और जो इसके अंदर कॉमेडी है वो भी काफी बढ़िया है, और साथ ही साथ जो कन्वर्सेशन होती है आप इसको बहुत इंजॉय करने वाले हो। अब उम्मीद करता हूं कि एमसीयू की तरीके से भी डीसी अपने काम को बहुत अच्छे से बढ़ाए, मतलब सही पर्सन को चूज करे डायरेक्ट करने के लिए। अब कुछ चीजों में बहुत सही काम कर भी रहा है, काफी उम्मीदें हैं यार डीसी से, क्योंकि यार बहुत बढ़िया बढ़िया करेक्टर है इसके पास, बहुत पावरफुल करेक्टर है इसके पास, तो वो हमें अच्छे से देखने को मिलेंगे। मेरी तरफ से इस मूवी को मैं देना चाहूंगा 8.5 out of 10। सर अगर आप लोगों ने मूवी देख रखी तो प्लीज कमेंट करना कि आप लोगों को कैसे लगी, और जिन्होंने नहीं देखी तो मैं उनको बता दूं कि देखो यार वॉयलेंस बहुत ज्यादा है, एडल्ट सीन है इसके अंदर, मतलब देख लेना बच्चों के लिए बिल्कुल भी नहीं है ये, बकायदा ये मूवी जो है बच्चों के ध्यान में रखते हुए बिल्कुल भी नहीं बनाई गई है। एडल्ट सीन बहुत ज्यादा है, वॉयलेंस बहुत ज्यादा है, ब्लड तो बस मतलब जैसे इनके अंदर जो शरीर के टुकड़े टुकड़े दिखाए गए हैं तो वो मतलब बहुत कमाल गए हैं, मतलब कहना तो नहीं चाहिए, जो ये मतलब भावनाओं को समझ रहे हो ना तुम। और ये मूवी जो है आप लोगों को हिंदी डब में भी और इंग्लिश में भी दोनों में ही आपको मिल जाएगी, और काफी अच्छी डबिंग लगी मुझे। तो बस आज के लिए इतना ही था इस वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।